ناظرین محکمہ بجلی میں کام کرنے والے ملازمین کے ساتھ آئے روز بجلی کی وجہ سے حادثات ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلہ کو لے کر آج محکمہ کی جانب سے پاور ہاؤس کمیونٹی ہال میں ایک تربیتی کیمپ منعقد کیا گیا۔ یہ دو روزہ تربیتی کیمپ اس لیے لگایا گیا تاکہ محکمہ کے ملازموں کو شارٹ سرکٹ اور دیگر حادثات سے بچانے کے سلسلے میں، حفاظتی اقدامات کے سلسلے میں جانکاری فراہم کی جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ ये जो ट्रेनिंग दी जा, मैं रतन कुमार भावसार हूँ, मैं नासिक से आया हूँ। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन CIRE जो गवर्नमेंट की संस्था है, सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है, उनके ओर से ये ट्रेनिंग लिया जा रहा है। हमारे ये समझ में आया है कि जम्मू एंड कश्मीर के पावर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनमें एक्सीडेंट का प्रमाण काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक्सीडेंट का प्रमाण कैसे कम हो, इसके बारे में हमने जो भी कुछ छानबीन की उस हिसाब से हमको ऐसा लगा कि इन लोगों को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। तो हमने ये दो दिन का ट्रेनिंग जो है वो अरेंज किया है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एक्सीडेंट प्रिवेंशन एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये टॉपिक है। ये ट्रेनिंग दो दिन चलने वाली है। ये दो दिन के ट्रेनिंग के लिए हमने जिन मुलाजिमों को बुलाया है वो सारे लाइनमैन है, टेक्नीशियन है। ये टेक्नीशियन को हम ये बताने वाले हैं कि आप एक्सीडेंट नहीं होने के लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। स्पेशली दो दिन का ये ट्रेनिंग चलेगा। अगर कोई डिजास्टर हो जाता है तो उसमें ये लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये भी इनको हम ट्रेनिंग देने के लिए आए। इसके लिए हमने खास जो फैकल्टी होती है वो मैं आया हूँ नासिक से, मतलब महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट का प्रमाण जो है वो बहुत ही कम है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो हमने वहाँ पे जो जो कुछ सुधार किए इस एक्सीडेंट ना हो इसके लिए, ये सुधार इन लोगों को बताए और इस तरीके से J&K में होने वाले इलेक्ट्रिसिटी के एक्सीडेंट कम हो, ये हमारा प्रयास है।